टोल बूथ पर टोल कर्मियों ने यात्रियों को बेरहमी से पीटा। वीडियो को शूट करने वाले पत्रकार को भी टोल कर्मियों ने हाथ जूते लेकर पीटा। सिनेस्टार अक्षय कुमार हेलीकॉप्टर से शिरडी पहुंचे। मध्यान्ह आरती के बाद साईं बाबा के किए दर्शन। अक्षय कुमार के पहुंचते ही फैंस की लगी भीड़। नंबर वन सिद्ध बाबा पर होगी 9 कुंडीय महायज्ञ। रामलीला रामकथा जैसे कई आयोजन 5 मई से सिद्ध बाबा मंदिर रोन के महंत बाबा के नेतृत्व में आयोजन। बेमित्रा के देवर बीजा पुलिस चौकी क्षेत्र बीजा में चोरों ने दीवार में सेंध लगाकर युवराज कंप्यूटर सेंटर से पार की नकदी। एएसआई सूना ने घटनास्थल पर पहुंचकर दी जांच पड़ताल के निर्देश। बुरहानपुर जिले के प्रेम चंद्र हनुमान मंदिर से चोरों ने 4 क्विंटल लोहा किया चोरी। चोरी से भक्तों में आक्रोश है। चोरी को लेकर कलेक्टर को सौंपा गया ज्ञापन। विधायक नारायण त्रिपाठी ने लिखा पत्र। मान शारदा नर्मदा कॉरिडोर बनाए जाने व मेहर को जिला बनाए जाने हेतु मुख्यमंत्री को लिखा पत्र। बलरामपुर में सेकेंड हैंड मोटरसाइकिल खरीदी बिक्री करने वाले संस्थानों की जांच कर रही पुलिस। मोटरसाइकिल चोरी की घटनाओं के बाद शुरू किया चेकिंग अभियान। अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के प्रमुख अभिषेक सिंगल ने जोशीमठ को लेकर दिया बड़ा बयान। कहा यदि राज्य सरकार से बात करती है तो जोशीमठ में हुए धसाव को अपनी दिव्य शक्ति से रोक सकते हैं। रामनगर वन प्रभाग के कालाडूंगी रेंज अंतर्गत कालाडूंगी नगर के समीप वन क्षेत्र में 8 वर्षीय बाघ का शव मिला है। शव मिलने से वन विभाग में मचा हड़कंप। कोटे गांव में ग्राम बगलई गस्ती में युवक ने आग लगाकर खुदकुशी करने की कोशिश की। खुदकुशी के कारण अज्ञात परिजनों ने युवक को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कराया भर्ती। बेमित्रा में शराब कुचिया के घर पहुंचे आबकारी टीम को ग्रामीणों ने घेरा। आबकारी विभाग की टीम ने ग्रामीण को बनाया बंधक। ग्रामीणों में जमकर आक्रोश। पन्ना मुख्यमंत्री तीर्थ योजना के लाभार्थियों को कलेक्टर और नगर पालिका अध्यक्ष दिखाई हरी झंडी। कलेक्टर पन्ना संजय मिश्रा ने तीर्थ यात्रियों को द्वारकाधीश के लिए किया रवाना। बुरहानपुर जिले में आदिवासियों ने निकाली रैली। मांगों को लेकर ज्ञापन देने पहुंचे डीएम ऑफिस। बड़ी संख्या में महिला पुरुष बच्चे भी आंदोलन में हुए शामिल। गाजियाबाद के खोपड़ा में पड़ोस में जाकर लौट रहे 55 साल के जगदीश को हमलावर ने मारे चाकू। शराब नहीं पिलाने को लेकर मारा चाकू। अस्पताल ले जाते वक्त हुई मौत। सतारे के पास हाईवे पर फायरिंग कर एक व्यक्ति की हत्या। युवक के सिर में मारी गोली। मृतक युवक बड़ा होटल व्यवसायी। आरोपी मौके से फरार। बुरहानपुर जिले के खंड कूड में किसान के खेत में खनिज माफियाओं के ट्रक निकलने से किसान परेशान। गिट्टी पत्थर से फसल खेत को हो रहा नुकसान। सीएम से शिकायत के बाद भी नहीं हुआ समाधान। पवई में हनुमान भाटा में 2 दिवसीय अखंड राम धुन संकीर्तन महायज्ञ का हुआ समापन। हजारों की संख्या में पहुंचे लोगों ने प्रसाद किया ग्रहण। नवी वर्षगांठ के अवसर पर महायज्ञ का आयोजन। नागौर में फसलों की गिरदावरी कराने को लेकर अधिकारियों की बैठक। राष्ट्रीय बालिका दिवस पर बेटियों को लेकर उपखंड अधिकारी ने सभी को दिलाई शपथ। दी आवश्यक दिशा निर्देश। डीडवाना नगर के भाटी बास में स्थित मां काली माता मंदिर में भगवान गणपति बा बालाजी प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा आज 28 जनवरी को भव्य भजन संध्या। 30 जनवरी को अतिथियों का सम्मान होगा। बुरहानपुर महिला बाल विकास विभाग की 2000 महिला कार्यकर्ताओं और 750 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का आंदोलन। 5 दिन से लगातार 3 सूत्रीय मांगों को लेकर आंदोलन। बिजनौर में हुआ बड़ा बस हादसा। चांदपुर मार्ग पर तेज रफ्तार बस अनियंत्रित होकर पेड़ से टकराई। एक दर्जन यात्री घायल। बिजनौर थाना शहर पुरजवाड़ी इलाके के गंज इलाके का मामला। सिलवानी में फूलमार गांव नागरिकों द्वारा प्रथम बार निकाली गई 121 लंबी चुनरी यात्रा। प्रतापगढ़ संकट मोचन हनुमान मंदिर से शुरू होकर आज राजेश्वरी खेड़ा पति माता मंदिर में मां को अर्पित। भिंड में हाई स्कूल बारा कला में बसंत पंचमी पर विद्या की देवी मां सरस्वती की पूजा अर्चना की गई। विद्यालय के स्टाफ और बच्चों ने भजन संकीर्तन किया। सांस्कृतिक कार्यक्रमों की झलक देखने को मिली। बुरहानपुर जिले के टीबी अस्पताल के बाहर कार्यकर्ताओं ने सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल के जन्मदिन पर स्वास्थ्य शिविर लगाया। हजारों की संख्या में निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। बुरहानपुर के नावपुरा के ग्राम हिबरा में वन कर्मियों और ग्रामीणों में हुए विवाद में घायल महिला का बिगड़ा स्वास्थ्य। महिला पर बंदूक के बट से वार कर घायल करने के लगाए आरोप।